होते हैं। हम डराते नहीं, बाखबर करते हैं। डंके की चोट पर देखिए नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सेंट्रल डिबेट। चुनाव सर पर है, राजनीतिक दलों के तरकशों से रोज नए तीर निकल रहे हैं। जी हां, किसको कैसे मात दी जाए, इसके लिए बिसातें बिछाई जा रही हैं, तो इसी के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। जी हां, गठबंधन को झटका। क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले महागठबंधन को झटका। निषाद पार्टी ने छोड़ा सपा बसपा रालोद का साथ। निषाद पार्टी के मुखिया ने सपा बसपा पर लगाया उपेक्षा का आरोप। एनडीए के साथ जाएगी निषाद पार्टी, मिलेंगी 2 सीटें। निषाद पार्टी के आने से पूर्वांचल में क्या भाजपा होगी मजबूत। यूपी में सपा बसपा रालोद गठबंधन को झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी गठबंधन से अलग हो गई है और अब भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकती है। गठबंधन से अलग होने का ऐलान करने के बाद निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। माना जा रहा है कि भाजपा निषाद पार्टी को 2 सीटें दे सकती है। गठबंधन में निषाद पार्टी को लेकर रस्साकशी काफी दिनों से चल रही थी। निषाद पार्टी चाहती थी कि गठबंधन में और सीटों का ऐलान किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। 4 दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान तो किया, लेकिन सीटों की घोषणा नहीं की। निषाद पार्टी के मुखिया ने सपा और बसपा मुखिया पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता मेरा नाम भी नहीं लेते हैं, इसलिए निषाद पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि हम गठबंधन के साथ नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं और अन्य विकल्पों की तलाश भी कर रहे हैं। पार्टी अब स्वतंत्र है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ उन्होंने भाजपा के यूपी प्रभारी जेपी नड्डा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और संगठन महामंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की। डॉक्टर निषाद ने इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, जिसके बाद अब उनके एनडीए में जाने के रास्ते लगभग साफ हो गए। तो निषाद पार्टी के आने से पूर्वांचल में भाजपा के और ज्यादा मजबूत होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर से महागठबंधन को झटका लग गया है। निषाद पार्टी ने सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का साथ छोड़ दिया है और सपा और बसपा मुखिया पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव जब उपचुनाव हुआ था गोरखपुर में, तब निषाद पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन रहा और निषाद वहां पर काफी बड़ी मात्रा में वोटर्स हैं और विजयी भी हुए थे। वहां पर सपा और बसपा के गठबंधन की जीत हुई थी। उसके बाद वहां पर आका जा रहा था कि फिर से एक बार सपा की तरफ से उनको टिकट दी जाएगी, उनके साथ गठबंधन में उनको आगे रखा जाएगा। तो
तो इस पूरे वाक्य में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सदफ जाफर हैं, विनीत शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा राजनैतिक विश्लेषक हैं, संदीप शुक्ला समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों को आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के लिए बिसाते बिछाना सारे दल शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय शर्मा, उनके पास। संजय जी, जिस तरीके से उपचुनाव में गोरखपुर में समाजवादी पार्टी को जीत का सेहरा देने वाले अब बीजेपी के साथ हैं, क्या आप मानते हैं कि अब निषाद पार्टी के भाजपा के साथ आने के बाद बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी वहां? नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित बात है कि एक बहुत बड़ा दांव चला था गोरखपुर उपचुनाव में निषाद को साथ लाकर समाजवादी पार्टी ने, और आज भारतीय जनता पार्टी ने वो दांव उल्टा चल दिया है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष को अपने साथ शामिल कर दिया है। तो राजनीतिक वोटों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी गोरखपुर में, लेकिन एक दूसरी गंभीर बात जो आज पूरे पॉलिटिकल गलियारे में लखनऊ से दिल्ली तक के बीच में चर्चा का विषय बनी कि मुख्यमंत्री की अपनी सीट है, उत्तर प्रदेश के फाइव ब्रांड नेता हैं, पूरे देश में उनको चुनाव प्रचार कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी भेजती है। अगर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी पार्टी के उस जीते हुए व्यक्ति से जिसके जीतने से पूरे देश में मुख्यमंत्री की छवि पर असर पड़ा, उसको आयात करके चुनाव से ठीक पहले लाके अगर पार्टी वहां से प्रत्याशी घोषित करती है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि क्या मुख्यमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर नेता इस लायक नहीं था, इस लायक बचा नहीं था कि जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना वहां से प्रत्याशी घोषित करती। तो नैतिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, लेकिन राजनीति में और चुनाव के दौर में नैतिकता मायने नहीं रखती है, मायने सिर्फ ये रखता है कि चुनाव में जीत कैसे हासिल होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने गणित बहुत अच्छा चला है, एक झटका दिया है विपक्षी गठबंधन को जिससे उभरने में देर लगेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आज ही वहां पे एक निषाद प्रत्याशी घोषित कर दिया है जी, राम भुवन जी। जी, तो बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है और इसको खबर को दूसरे नजरिए से भी पेश किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सदफ जफर, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से बिल्कुल सही आंकलन का किया है यहाँ पर कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद की लोकसभा सीट थी, वो लंबे समय से एक दशक से ज्यादा वहां पर उन्होंने उस सीट का प्रतिनिधित्व करा है, अब कहीं ना कहीं वो जब मुख्यमंत्री बने वो सीट खाली हुई, वहां पर एक जो आपसी फूटन मच गई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और अब वहां पर जो एक सपा से पिछली बार निषाद जीत के आए उनको आपने लाए वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को आपने धता बताया वहां पर, इस पूरे वाक्य पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तोड़ जोड़ और इस तरह के समीकरण बिठाने वाली पार्टी है, ये सारी चीजें आप तब करते हैं जब आपका जमीन पे कोई काम नहीं होता है। चाहे आप किसी भी राज्य में देख लें, गोवा में देख लें, जिस तरह से सरकार बनाई गई जिसके साथ साथ में मिलके थे उसके दो नेता तोड़ के उनके चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बाहर कर दिया गया। तो ये तोड़ जोड़ इस तरह की षड्यंत्रों की पार्टी रही है शुरू से लेके अभी तक, तो उसमें मुझे हैरानी नहीं है। अभी जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आएगा अभी देखिए क्या क्या और होता है। जो शिवसेना इनको लगातार लताड़ती रही है उस पर किस तरीके से जाके मनाया गया और किस तरह से ऑफर किया गया चीज़ों को, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जब जातिगत हम लोग राजनीति करते हैं और कुछ दल और जिस तरह से वो उसको कहते हैं कि भाई हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए नेताओं ने पलट के अपनी कम्युनिटी के लिए किया क्या है जिनके नाम पे वोट लेके आते हैं। देश प्रदेश का छोड़ दीजिए, उन कम्युनिटी वो बिल्कुल आप वहाँ पे देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं किया है सिवाय अपने बैंकों और खातों को भरने के और पनामा के और स्विस बैंक के और तमाम चीज़ें करने के, घोटाले करने के। तो ये तोड़ जोड़ करेंगे अभी और करेंगे। कैरेक्टर क्या है इनका निषाद पार्टी का, ये सबके सामने जग जाहिर है। कुर्सी की लिप्सा के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, और ये हैरानी की बात है कि आप जहाँ पे जीत के आए हैं कल तक जिनको बुरा कह रहे हैं, आज जो है आप उन्हीं के उसमें जाकर उन्हीं के साथ उसी खेमे में खड़े हुए हैं। ये कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोबल गिराएगा, उस कम्युनिटी का भी मनोबल गिराएगा जिसको आप रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं। एक तरफ आप उसको रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा के साथ आज आप खड़े हैं जो हमेशा दमन करती रही है दलितों का। विनीत शुक्ला आपके पास आएंगे, जाहिर सी बात है सवाल आप पर उठेंगे, आप सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं।
सदफ जफर ने सवाल उठाए हैं कि तोड़ जोड़ और गठजोड़ की पार्टी है, षड्यंत्रों की पार्टी है भाजपा। बैंक खाते आप भरते हैं, पनामा वगैरह जितनी भी चीजें, आप पर सीधे सीधे आरोप लगाएं। और सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर उठा दिया हमारे सामने संजय जी ने कि आपने वहां के कार्यकर्ताओं को उनको नजरअंदाज करके एक ऐसे प्रत्याशी को अपने साथ ले आए जिसके खिलाफ आप वहां पर चुनाव लड़े थे पिछला, और चुनाव बुरी तरह से हारे थे। पूरे प्रदेश में, देश में आपकी जितनी भी आपकी कुछ भी कहा जाए, आपको वहां पर सामना करना पड़ा था लोगों की बातों का, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी वहां से हमेशा से जीतते आए हैं, और उपचुनाव था वो। उपचुनाव में, उपचुनाव चुनाव नहीं होता है जी, क्या? जी जी, चुनाव होता है। उपचुनाव में जनता ने जो जिसको चुना है उसको स्वीकार किया गया। अब पुनः 2019 में भारतीय जनता पार्टी ही वहां से जीतेगी, ये आप ध्यान रखिए। और समाजवादी पार्टी निषाद समुदाय का अपमानित करके उसको निकाला है। उन्होंने तो प्रत्याशी बनाया है, कहां उन्होंने प्रत्याशी बनाया उसको, जिस जो आदमी पहले से जुड़ा हुआ था उसको अपमानित किया है, उसको सम्मान न मिलने की वजह से वो पार्टी छोड़ के चला गया है। और आज हमारी मोदी जी की में विश्वास जताया है उसने, नीत और नियत अगर हमारे मोदी जी की साफ है, इसीलिए आज वो हमारे में विश्वास करके हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और जोड़ तोड़ और ये जो षड्यंत्र का जो आरोप लगा रही कांग्रेस, कांग्रेस ही सबसे ज्यादा जोड़ तोड़ और षड्यंत्र रचती है। महा घोटाले में जो पूरी तरीके से 4 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त है पूरी कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी किस तरीके का सर्टिफिकेट दे रही है? भारतीय जनता पार्टी जिसपे कोई दाग आज 5 साल की सरकार में कोई भी मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कोई भी दागदार नहीं है। दागदारों की फेर लिस्ट, आपके दागदारों की, कांग्रेस की दागदारों की पूरी लिस्ट है, भरमार है घोटालों की। 5 साल में एक FIR हुई हो, एक आदमी जेल गया, पूरा परिवार कांग्रेस का जमानत पे, एक कन्विक्शन हुआ हो तो मैं मान लूं, लेकिन आप अपना हाल देख लीजिए, आपका अध्यक्ष भी तड़ी पार है, तो आप हमें मत बताइए आपने एक भी 5 साल में क्यों नहीं कर पाए, आपने क्यों नहीं की जांच, आपने क्यों नहीं की जांच, जमानत क्यों नहीं हुई, जमीन के घोटाले से लेकर क्या किया उसको लेकर, कितने घोटाले किए हैं, इसलिए जांच नहीं, क्या निकला, खोदा पहाड़ चूहा भी नहीं निकल पाया, चूहा भी नहीं निकलने वाला कांग्रेस का, कांग्रेस इसलिए 42 पे आ गई, कांग्रेस का हाल ईडी की जांच होने के बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आतंकवादियों के साथ, और जितने आतंकवादियों के पास साथ में है, पत्थरबाजों के साथ, आतंकियों के साथ, कांग्रेस का हाथ कितनी बार पाकिस्तान गए, और कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ है कि नहीं, पहले ये बताइए। आप होमवर्क करिए, आप होमवर्क करिए, कांग्रेस में आके मिल लीजिए, आप वहाँ पे चरणवंदना करिए। विनीत जी की पार्टी से हमें कोई सीख नहीं लेनी। विनीत जी, 60 साल वर्सेज 5 साल का जो जुमला आप उछालते थे, आज आप सुनिए, अब अगर आपने होमवर्क किया होता तो आज जिस तरीके से असम की रैली से नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 5 साल में सारे काम नहीं किया जा सकते, उन्होंने स्वीकार कर लिया, आप भी स्वीकार करिए इस चीज को। बिल्कुल, 5 साल में 60 सालों का इन लोगों का पाप घोटाला जितना भी है, जितना इन लोगों ने घोटाला किया उसको सही करते करते आप बताइए, 5 साल में, 5 साल में एक भी लोन कर्जा नहीं लिया गया, इन लोगों ने कर्जा लिया स्विस बैंकों में, पैसा ले जा जाके सोनिया गांधी का पैसा जमा है वहाँ पे, बताइए आप सोनिया गांधी ने, आप जाके 5 साल में सूचना सर आज साझा कर रहा है, पहले तो रोक दी जाती थी जानकारी, कहां है कांग्रेस बताए, कांग्रेस का पार्टी पे आ जाइए, जिसको अभी आपने डिमोनेटाइजेशन के पैसे से लुभाया, पिछड़े या किसी से आरोप प्रत्यारोप बाद में कर लेंगे, आप कांग्रेस की बात बताइए। हमारे साथ सपा से संदीप शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, इनको भगाने का वो चुनाव में तय हो जाएगा, हिंदू बन करके
मंदिर मंदिर घूम रहे, आज उत्तर प्रदेश में हिंदू बनने का नाटक करते, दिल्ली जाके वही हिंदू को आतंकवादी बताते हैं। चलिए यही प्रियंका गांधी हिंदुओं के खिलाफ हलफनामा दिलाती है, वो सत्ता हो जाएगा चुनाव में, पक्ष में हलफनामा दिलाती है कपिल सिब्बल से, जला देते हैं। विनीत जी वो सत्ता हो जाएगा चुनाव में, बिल्कुल चुनाव में ही करेगा, जनता ही सत्ता कर देगी इन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, संदीप शुक्ला आपके पास आएंगे, जाहिर सी बात है सब आ गए, इसीलिए बस करिए। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ संदीप जी है। जिस तरीके से ये निषाद पार्टी का पूरा घटना चक्र रहा है, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाए कि आप भाव नहीं दे रहे थे उनको, और उपेक्षा का आरोप लगाया सपा और बसपा के पूरे गठबंधन पर। संदीप शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ सही पूछे तो तकनीकी रूप से कोई गठबंधन ही नहीं किया था, जहां तक उनके जीत के चेहरे को पूरे देश में आपने ढिंढोरा पीटा था सर, जहां तक उपचुनाव की बात थी तो वहां ना बसपा से गठबंधन था, वो समर्थन था, और वहां पर निषाद पार्टी का भी समर्थन ही था। सरकार ने कहा था कि आपको हम प्रत्याशी देंगे, लेकिन हम जो है तकनीकी रूप से आपको कोई और सीट नहीं देंगे। इस बार भी यही था कि हम आपको एक सीट देंगे, गोरखपुर की सीट आप लड़ सकते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से हम कोई अलायंस में आपको नहीं ले रहे हैं। ये चाह रहे थे कि तकनीकी रूप से अलायंस में लें और हमको एक अलग अतिरिक्त सीट दें। समाजवादी पार्टी ने कहा था हम जितनी सीटें पहले एक सीट आपको लड़ा सकते हैं। इन्होंने बाद में अलग से तालमेल करके भारतीय जनता पार्टी से और अपनी चाल चली। समाजवादी पार्टी कभी भी इनको अलायंस में नहीं रखी थी, और जब भी आप देखें तो उस केवल रालोद और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन था और सीटें तय हुई थी, प्रत्याशी बनाने की बात हुई थी। बाद में इनको लालच आ गई और लालच लेकर आज एनडीए के साथ एक अधिक सीट ले लिया। स्वाभाविक है, उन्होंने आपको मान बढ़ाया है, आपको वहां से मान हमारा नहीं बढ़ा, हमने उनका मान बढ़ाया है, उनको प्रत्याशी देकर, उनका बेटा जो आज वहां से सांसद है, पहले इनका कोई नाम नहीं लेता था निषाद पार्टी का, हमने उनका नाम उत्तर प्रदेश में स्थापित किया, आज निषाद पार्टी को रही है। तो ये हमको धोखा देने का काम करना चाहते थे, हमने इनको धोखा नहीं दिया है। रही बात वोट की, तो एनडीए मुगालते में ना रहे, पिछड़ी जातियों का अधिकतम वोट समाजवादी पार्टी बहुजन गठबंधन को जा रहा है, एक एक पार्टी के गठबंधन करके देख ले तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रजेश मिश्रा जी आपके पास आएंगे, जिस तरीके से संदीप शुक्ला कह रहे हैं कि इन्होंने निषाद पार्टी को नाम दिया, समाजवादी पार्टी की वजह से निषाद पार्टी उठी है और उनको पहचाना जाने लगा, क्या आप इस कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, निषाद पार्टी एक तरह से फूलन देवी जब समाजवादी पार्टी में आई, उन्होंने चुनाव लड़ा, सांसद बनी, उसके बाद से निषाद समुदाय का एक पहचान बनना शुरू हुआ था, ये तो राजनीतिक सत्य है, क्योंकि फूलन देवी को समाजवादी पार्टी ही लेकर के आई थी। धीरे धीरे जब वो एक राजनीतिक अस्तित्व में परिवर्तित हुई तो ये देख रहा हूँ कि इसका जो 14-17% बिहार और उत्तर प्रदेश में इनकी रेशियो है, और ऐसे मानिए कि बिहार में ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आती है, और उत्तर प्रदेश में भी हम सब ने देखा कि गोरखपुर सीट पर 21,000 से जो विक्ट्री हुई थी इनकी, वो निषाद समुदाय की वजह से हुई थी। ये जो गंगा की बेल्ट है उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार से शुरू होकर के वो पूरा उत्तर प्रदेश तक जाती है, तो वो एक बड़ा भारी मार्जिन ले करके जो निषाद पार्टी है वो लेकर के चली जाती है। अब इसमें केवल एक संजय इनका क्या कहते हैं प्रवीण कुमार निषाद का ही जाना नहीं, वो पूरी पार्टी ही शिफ्ट हो गई, तो जो वोटर्स लॉयलिटी है वो नेचुरली शिफ्ट होती है, और उसमें देखिए तो ये पोल मैथमेटिक्स है, और इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे अब SP ने BSP से, BSP SP ने, कांग्रेस को साथ नहीं मिला, उन्होंने अपना अलग चुन लिया रास्ता, तो क्या है कि ये तो असर डालने वाला ही है, और हम सब लोग जानते हैं कि इतना मेजर वोट चंक अगर जाएगा तो वो बिना असर डाले नहीं रह सकता है। और प्रश्न, निषाद पार्टी को सपा से जुड़ने के बाद फेम मिला या वो पहले से ही इतना उनका पूरा देश नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस एक वोटर के रूप में तो उनका एग्जिस्टेंस था ही, अब वो एक ग्रुप बन गया, ग्रुप के बाद पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उसका अपना एक हेड हो गया और वो उसको रिप्रेजेंट करने लगा। नेचुरली जितनी भी जाति आधारित पार्टियां उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं उनमें कोई ना कोई आया था, उनको कोई ना कोई ले करके आया था, तो अब उसका उस पर कोई डिबेट नहीं बनती है कि उनको कौन लेकर के आया था, डिबेट इस बात पर बनती है कि अब उनकी लॉयल्टी है किधर। अगर उनकी लॉयल्टी उस समय सपा के साथ थी, कभी बसपा के साथ रही, कभी इन दोनों के साथ रही, और इस समय इनसे इनके पास नहीं है, तो वो नेचुरली इम्पैक्ट डालेगी जी। अब इसमें जो है मैं समझता हूँ कि कौन लाया था वो गौड़ विषय हो गया, अब वो कहाँ है वो इम्पोर्टेंट हो गया। संजय शर्मा आपके पास आऊँगा, महागठबंधन को कितना नुकसान हुआ है, हालांकि सपा ने भी निषाद चेहरे को ही उतार दिया है, क्या कहेंगे?
देखिए मैं पहले भैया की बात का जवाब दूंगा कि हाँ। आपने वो जो सवाल किया था कि पहले फेम उनको कम मिला हाँ। निषाद पार्टी को हाँ। निषाद पार्टी को फेम शायद उतना नहीं मिलता अगर वो इलाहाबाद से जीत जाते, गाजियाबाद से जीत जाते, लेकिन निषाद पार्टी जीती थी गोरखपुर से। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पे कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था कि योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव हार सकते हैं, और वो भी उन परिस्थिति में हार सकते हैं जब उत्तर प्रदेश की सत्ता पे वो काबिज है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, ब्रांड मुख्यमंत्री है, पूरे देश में उनकी एक हैसियत है, हर चुनाव प्रचार पर वो जाते हैं, लेकिन वहां अप्रत्याशित रूप से एक नया चेहरा, नया नाम, नई पार्टी अगर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में जीत हासिल करती है तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी चर्चा हुई थी कि मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में निषाद अच्छा, पार्टी अच्छा, का एक चीज आपसे दबी जुबान से ये आरोप लगते हैं कभी कभी, इसमें कितनी सत्यता है मैं नहीं कह सकता, अतिशयोक्त हो सकती है, कि योगी आदित्यनाथ के मनपसंद चेहरे को टिकट नहीं मिली इसलिए योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा इंटरेस्ट नहीं लिया था उस चुनाव में। नहीं देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चूंकि पत्रकार हैं तो कह सकते हैं हाँ। और वो कह सकते हैं जो जन चर्चा है, जन चर्चा ये है कि वहां पे क्षत्रिय और ब्राह्मणों में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, थोड़ा सा काफी चिर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। टिकट वहां पे ब्राह्मण व्यक्ति को मिला था और न्यायचित ये माना गया था कि मठ थोड़ा शांत रहा, मठ के शांत होने की वजह एक रही क्योंकि वहां पे भी एक और राज्यसभा के लिए ब्राह्मण चेहरे को भेजा गया, उनको मिनिस्टर बनाया गया, तो ये माना गया कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण लॉबी को पूर्वांचल में मजबूत किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, तो ये चर्चाएं रही। और स्वाभाविक है राजनीति के दौर में, चुनाव के दौर में ये जो जन चर्चाएं होती हैं ये चुनाव पे खासा महत्व डालती हैं, उनकी उदासीनता अगर रही भी और चर्चा में रही तो उसका नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, और निषाद पार्टी का वजूद और निषाद पार्टी की हैसियत कई गुना गोरखपुर के चुनाव से बड़ी। अब आपने मुझसे पूछा कि गठबंधन का नुकसान होगा, तो निश्चित रूप से गठबंधन को नुकसान होगा, एक मैसेज गया है निषाद पार्टी जो मजबूत हुई है। एक प्रश्न और इसी प्रश्न में मैं जोड़ दूं, अगर जैसे कि निषाद इनका भी प्रत्याशी जहां तक है निषाद ही रहेगा, अभी इनके हालांकि इन्होंने पुष्टि नहीं की है बीजेपी ने, वहां पर निषाद वर्सेस निषाद की जो वहां पर स्ट्रेटजी लागू की जाएगी क्या स्थिति बनेगी? नहीं देखिए आज भारतीय जनता पार्टी में मुझे सूत्र बता रहे हैं शाम को मंथन हुआ इस बात का कि अगर हम अब गोरखपुर से निषाद दे देंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर रहेगी क्योंकि निषाद वोटों में बंटवारा होगा और सपा बसपा का मजबूत गठबंधन वहां पे है और वहां पे फिर वही चर्चा आएगी सीएम का कैंप मतलब मंदिर का कैंप बनाम अदर, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि गोरखपुर के अलावा कोई और जगह से लड़ा दिया जाए। गोरखपुर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, उत्तर प्रदेश में बनारस के बाद अगर कोई सीट सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए तो वो गोरखपुर है और मुख्यमंत्री का भविष्य भी इस बात पर टिकेगा। जैसे अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि चुनाव की हार जीत पे उत्तर प्रदेश की कुर्सी भी तय करेगी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी भविष्य इस बात पर तय करेगा कि जीत के पैमाने क्या रहेंगे, जीत के नतीजे क्या रहेंगे, और गोरखपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है या नहीं जीतती है इस पर मुख्यमंत्री का भी भविष्य तय करेगा। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत गोरखपुर पर लड़ेगी, और मेरे भाई बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उपचुनाव था वो, तो मैं कहना चाहूंगा कि उपचुनाव हमेशा सत्ता का माना जाता है, सत्ता का बहुत सारा तंत्र काम करता है, बहुत सारे तंत्र के कम कम करने के बावजूद अगर वहां से हारी है तो भाजपा में सीट को लेकर बहुत गहन चिंतन मनन हुआ है और बीजेपी गोरखपुर में बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी, हर हालत में लड़ेगी। तो निषाद गठबंधन की काट के लिए आनंद फानन में आज टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी ने, जिससे अब इन निषाद बंधु को गोरखपुर से टिकट लेने में परेशानी पैदा हो। विनीत शुक्ला कितना इत्तेफाक रखते हैं संजय शर्मा ने, बड़ा अच्छा विश्लेषण इन्होंने किया, सारी चीजों को क्लियर कर दिया। जी जी संजय जी ने कहा है, और ये निषाद लोगों का जो अपमान इन लोगों ने किया समाजवादी पार्टी ने, उसकी सजा समाजवादी पार्टी को मिलेगी, और योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी वहां पे फिर से जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी, जितने मतों से पहले जीती थी उससे ज्यादा मतों से अब की बार फिर जीतेंगे, क्योंकि इन लोगों ने निषाद समुदाय को पूरे देश में नहीं, तो आप उन्होंने किया है तो आप निषाद प्रत्याशी बनाएंगे, उन्होंने किया है आप जी जी आप निषाद प्रत्याशी ला रहे हैं, अब वो पार्टी तय करेगी निषाद वहां से लड़ेगा तो या कौन लड़ेगा, ये पार्टी अपमान का आरोप लगाते हैं बिल्कुल, जो अभी गठबंधन छोड़ के गया है ना उनको, ये इनके अखिलेश यादव जी के उस पे मैं बात कर रहा हूँ, अभी टिकट अभी किसी का फाइनल नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का डील कांग्रेस करती होगी, अटैचियां ले लेकर के कांग्रेस में लोग जाते होंगे, कांग्रेस का ये चरित्र है, कांग्रेस अपना बताए अपना चरित्र बताइए, भारतीय जनता पार्टी का मत बताइए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन वहां तय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा किसको चुनाव लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है,
सदफ जफर जी, आपसे जानना चाहूंगा गोरखपुर में आप कैसे उतर रहे हैं, आपकी चुनावी रणनीति से क्या आप मुख्यमंत्री की एक जो सीट चर्चा वाली सीट मानी जाती है उस पर अपनी दमदारी पेश करेंगे? अब तो प्रियंका गांधी भी पूर्वांचल में एक तरीके से सक्रिय हैं पूरी तरीके से। हमारा जो पूरा आइडियोलॉजी है, जो हमारी कार्य करने की प्रणाली है, वो बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि जो उपेक्षित हैं, चाहे जिस भी समाज के हो, हम उसके कतार में आखिरी खड़े हुए आदमी के साथ हैं। जो इन्होंने न्याय स्कीम लेकर आ रहे हैं कि 12,000 जो लाइन ड्रॉ करी है, जो मिनिमम इनकम होनी चाहिए, 33% महिलाओं का आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, नौकरियों में और संसद में, और जिस तरह से बात की जा रही है कि कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, जैसे बात की जा रही है कि और तमाम मुद्दों को एड्रेस किया जाए, हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं इस कम्युनिटी को हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करती है, या मैं ये नहीं कहना चाहती कि इस वर्ग को कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती है। हम देश के हर जो स्ट्रगलिंग इंसान है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उसके साथ हम खड़े हुए हैं। जो बात आप कह रही हैं वो ये भी करते हैं, उनके लिए होगी वो बात, ये भी सबका साथ सबका विकास का नारा ये भी ठीक है, लेकिन हम निषाद पार्टी के पीछे तो नहीं जा रहे हैं ना फिलहाल। वहाँ पे हम वहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन बेरोजगार है, कौन पीड़ित है, उन माओं का क्या हुआ जो गोदियों में बच्चों की लाशों को लेके BRD अस्पताल से घर गई, वहाँ पे क्या हुआ उन लोगों का जिनको एक बार एक भी किसी तरह का कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो ना वहां पे जिम्मेदारी तय की गई कि एग्जैक्टली जिम्मेदारी थी किसकी, एक डॉक्टर कफील को पकड़ के बंद करने के अलावा, जो फिलहाल बाद में उस पे छूट गया जमानत पे। तो वहां पे आइडियली, और इस पे जिस तरह से इन लोगों ने उपेक्षा की है, उपेक्षित निषाद समाज हो या नहीं हो, निषाद पार्टी फॉर दैट मैटर हो या नहीं हो, उपेक्षित गोरखपुर की जनता रही है, उसका वो उपचुनाव में सबक सिखा चुके हैं, वो आगे भी सबक सिखाएंगे। संजय जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बार एक छोटी सी लाइन की मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम हर उपेक्षित आदमी के साथ खड़े हैं। देखिए बसपा की MP थी केसर, जहां बसपा ने उनको टिकट नहीं दिया, इतनी उपेक्षित थी, कांग्रेस ने तुरंत टिकट दे दिया। इटावा के अशोक दोहरे थे, BJP टिकट नहीं दिया, इतनी उपेक्षित थे, तुरंत टिकट दे दिया। आंवला में सपा में सर्वराज सिंह को नहीं दिया, उन्होंने तुरंत टिकट दे दिया। तो कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कब हो कई उपेक्षित बेचारे दूसरी पार्टी से टूट के आए, तो हम उनको उनका दर्द महसूस करते हैं। नहीं क्यों नहीं, उन्होंने अगर जमीन पे काम किया है और आपने उनकी उपेक्षा करी है, तो हम उनको क्यों नहीं टिकट देंगे? अगर वहाँ पे हमारी कोई RSS नहीं डिसाइड करती है कि हम किसको टिकट देंगे, अगर उन्होंने जमीन पे काम किया है, अगर उन्होंने जमीन पे काम किया है और वो आगे वो सेवा भाव से आ रहे, तो हम क्यों नहीं उनको टिकट देंगे? आप उपेक्षा बहुत अच्छा याद दिलाया यहाँ पर आपको बता रहे संजय जी ने, जिस तरीके से इटावा की इटावा की सीट पर अशोक दोहरे को टिकट दिया गया, वो BJP से सिटिंग वहां पर सांसद थे और अशोक सिंह वहां रूठ गए, जो आपके लिए लगातार काम कर रहे थे, तो उनका उनकी तो आपने उपेक्षा कर दी। नहीं, अशोक सिंह रूठे हैं कि नहीं रूठे, ये तो संगठन में बाद में जब बात होगी तब पता चलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल रूठे, हमने कल पूरी खबर चलाई उस पर, वो बाकायदा आके अपना पूरा दुख बयान कर रहे थे कि जिस तरह से एक नए आए हुए व्यक्ति को आपने आते ही 2 घंटे के अंदर टिकट थमा दी, ये आपको ज्यादा सेफ लगा, आपका संगठन कमजोर था शायद इसलिए। अब ये मैंने कल क्योंकि खबर नहीं देखी है अशोक सिंह जी की, तो मैं कुछ उस पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ, पर डेफिनेटली जिन लोगों ने जमीन पे काम किया है और पार्टी जिनको समझती है कि जमीन पे काम किया है और वो जीत के बेहतर काम कर सकते हैं, उनको लेकर आई है। हमारे यहाँ सत्ता पे बैठे हुए जो इनकम्बेंट मिनिस्टर्स हैं, उनके टिकट नहीं काटे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे काटे गए छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से आपने देखा कि काटे गए 11 के 11 विधायकों के, यहाँ पे जिस तरह से कठेरिया जी का काटा गया, तो उस तरह की चीजों में हम विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग काम करते आए हैं, जिन्होंने काम किया है, कठेरिया जी का काटा नहीं गया, हाँ जहाँ से काट के दिया गया है, बघेल जी को दिया गया, जिनका OBC वाला चक्कर है, चुनाव लड़ाया जा रहा है, काटा नहीं गया। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए इंडिया वॉच। नामी बदमाश को ज्वाइन कराया जा रहा पार्टी प्रियंका जी के उसमें नेतृत्व में। इटावा से BJP से सांसद थे अशोक दोहरे, हम कबर नहीं, अशोक सिंह हाँ जी, हम डराते नहीं, बाखबर करते हैं। डंके की चोट पर देखिए हर शनिवार रात 8 बजे हमारे साथ।
पुलिस अफसरों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में भीषण भ्रष्टाचार, अखिलेश सरकार का घोटाला योगी सरकार ने धो डाला, सपा सरकार का फर्जी शासनादेश खारिज कर नई प्रमोशन लिस्ट बनाने का अदालती आदेश योगी सरकार ने रख दिया ताक पर। देखिए शनिवार रात 8 बजे डंके की चोट पर इंडिया वॉच। हम कबर नहीं खबर खोदते, हम डराते नहीं बाखबर करते। डंके की चोट पर देखिए हर शनिवार रात 8 बजे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल डिबेट। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरीके से गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद रूठा और रूठी चल रही है, दल परिवर्तन की बयार चल रही है, और अब निषाद पार्टी जो कि बीजेपी के साथ आने आ गए हैं, और कहीं ना कहीं निषाद कम्युनिटी का ही जो प्रत्याशी है, दूसरा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से उतार दिया है, तो वहाँ स्थिति बड़ा रोचक हो गई कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। हम रुख करेंगे सीधे, हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, जिस तरीके से ये गठबंधन रूठा रूठी, दल परिवर्तन की जो बयार चल रही है, लोकतंत्र के लिए कितना सही है? मतलब एक जगह अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आपकी आस्था जवाब देने लगती है वहां पर। देखिए, लोकतंत्र का ये बड़ा सामान्य घटनाक्रम है। अपने प्रतिनिधित्व को बचाने के लिए सारे राजनीतिक दल पूरा ताकत लगा रहे हैं, और इसमें जो है बैलेंस काउंटर बैलेंस पैदा होता रहता है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत सामान्य सी घटना है। चुनाव तक एक एक शब्द, एक एक भाषण, मैं देख रहा था कि 2017 में ESP को 28.07% और BSP को 22.23% वोट, कुल मिलकर के लगभग 51% वोट मिली थी, और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी इसमें इन दोनों को लॉस भी था, करीब 18% का SP को और BSP को 3.68% का नुकसान भी हुआ था 2017 में। फिर आपने गोरखपुर देखा, कैराना देखा, फूलपुर देखा, उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी जो थी वो 41.35% पे थी, और उसको वोट उसके फेवर में गई 26.35% बढ़ करके। तो अगर आप देखेंगे कि निषाद समुदाय है, तो उत्तर प्रदेश में करीब 17% की इनकी पॉपुलेशन है, और मैं समझता हूं कि जब करीब 72 सीटों पर इनको 5.5 लाख से ज़्यादा वोटर वोट किए थे इस समुदाय को, तो अभी जो आपका मतलब इस समय जो घटनाक्रम है उसके हिसाब से, पहले अगर बीजेपी कहती थी कि नहीं हम ज़्यादा सीटें लाएंगे, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि आप कहां से लेकर के आएंगे, लेकिन अब ये एक पॉलिटिकल रियलिटी में ये नई ट्रांसक्रिप्ट दिखाई पड़ रही है, और इसमें केवल एक निषाद व्यक्ति के जाने का प्रश्न नहीं है, ये पूरी गंगा जी के किनारे वाली पूरी की पूरी बेल्ट, पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा जी बह रही हैं। तो आप देखिए कि ये बड़ा भारी असर डालेगा, बहुत बड़ा असर डालेगा, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है। तो ये एक, मैं मानता हूं कि ये एक पॉलिटिकल स्वीप है। अब ये आगे देखिए, अब ये लोग इसके लिए क्या दूसरी तैयारी करते हैं, क्योंकि निषाद समुदाय इधर लगातार उसने अपने शक्ति को बढ़ाया, अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया, अपने इनका जो अभी बीच में गाजीपुर वगैरह जो धरना प्रदर्शन भी हुआ था वो बड़ा चर्चा में आया, उसमें कार्रवाई भी हुई थी पुलिस बल की, और कुछ लोग मरे भी थे। तो आप उस तरह से देखिए तो अब एक नए समुदाय का राजनीतिक अस्तित्व आया है हमारे सामने, और ये जिधर जाएगा उत्तर, देखिए गोरखपुर में जो हार थी उसमें निर्णायक भूमिका निषाद समुदाय की ही थी। अगर उस समय इन लोगों को निषाद समुदाय का सहयोग नहीं मिला होता, तो यद्यपि ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा था,
लेकिन वो चूंकि ब्राह्मण नाराज थे गोरखपुर में आदित्यनाथ जी से, इसलिए ब्राह्मण वोट देने नहीं गए, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ नहीं थे, वो इनडिफरेंट हो गए थे, उन्होंने वोट नहीं दिया था, वैसे भी उपचुनाव था और उसमें भी नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेता प्रचार करने नहीं गया था। जी हाँ, वहां पर नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेता प्रचार भी नहीं करने गया था, इसलिए मैं ये मानता हूं कि उस समय जो निर्णायक वोट थी उसके वजह से हार हुई थी आदित्यनाथ जी की, और ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा किया उन्होंने ब्राह्मणों को शांत करने के लिए, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई थी। अब वो चीज जो है वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही है, और मैं समझता हूँ दूसरे राजनीतिक दलों को भी इसके अनुसार तदनुसार अपनी तैयारी को करना पड़ेगा। संदीप शुक्ला, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से निषाद अब जा रहे हैं, निषाद पार्टी खासकर हम कहें, निषाद तो आप प्रत्याशी भी ले आए, खैर निषाद पार्टी जो बीजेपी के साथ है, आपको क्या लगता है पूर्वांचल में बीजेपी मजबूत हो जाएगी और ज्यादा? संदीप शुक्ला, बीजेपी पूर्वांचल में, पूर्वांचल की स्थिति ये है कि वहां पर निषाद कुछ जिले में है, पूर्वांचल की स्थिति तो अभी तय करेंगे राजभर जी, जो रोज बता रहे हैं कि हम बीजेपी छोड़ कर जाने वाले हैं, अकेले लड़ेंगे, 50 सीटों पर लड़ेंगे, कभी कहते हैं 8 सीटों पर कांग्रेस दे रही हमको, नई नई बातें आ रही हैं, तो कई कम से कम 5-6 जिलों में तो राजभर बड़ी संख्या में है वहां पर। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल ऐसा स्टेट है जहाँ पर यादव बड़ी संख्या में है, मुस्लिम भी है, राजभर भी है, निषाद भी है, कुर्मी है, ब्राह्मण और क्षत्रिय तो वहां पर डोमिनेंट फैक्टर है। तो इन सबको देखते हुए भी बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव ऐसे से आगे बढ़ता जाएगा, अभी नए नए चीजें उभर कर आएंगी, अंतिम रूप से भी आप कुछ नहीं कह पाएंगे कि कौन किधर जा रहा है, लेकिन ये तो तय हो चुका है कि जो गठबंधन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर उनके साथ जाट समुदाय जुड़ा हुआ है गठबंधन के साथ, तो पूर्वांचल में भी ये मजबूती के साथ पिछड़ी जातियां समाजवादी बहुजन समाज गठबंधन में है। बहुत कुछ ये भी तय करता है कि प्रत्याशी कौन वहां पर हो रहा है। अभी निषाद प्रत्याशी हो और भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण प्रत्याशी हो, मैं नहीं मानता कि वहां पर फैक्टर दूसरे हो जाएंगे वहां पर, तो प्रत्याशी पहला शर्त होती है। जो छोटी कम संख्या वाली जातियां हैं वो बहुत कुछ तय होता है कि प्रत्याशी किस जाति का है वहां पर, तो जाति का बहुत बड़ा फैक्टर है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कैंडिडेट कौन है, तो सारे इक्वेशंस बनते हैं। चुनाव एक समीकरणों पर होता है, चुनाव इतना सीधा साधा नहीं है कि एक गठबंधन तय कर दे या एक छोटी सी बात तय कर दे। तो अभी आने वाला वक्त कई चीजें बढ़ता जाएगा कारण, और कई समीकरण बनेंगे और समीकरणों को हल कर कर ही उत्तर मिल पाएगा, आने वाले वक्त में इंतजार करें। जी सदर जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अच्छी बात एक संदीप जी ने कही कि ये राजभर को भी नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, वो बेचारे रोज नाराज होते हैं, कभी साथ आते हैं, अमित शाह से मिलकर खुश हो जाते हैं, बता रहे हैं आपके साथ कुछ सीट की बात चल रही है राजभर जी की, कुछ ऐसा है अगर स्पष्ट करें, अगर कुछ ऐसा हो? देखिए ऐसा है कि अभी मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन डेफिनेटली समीकरण तो बदलेंगे, जिसको जहां अभी तो बहुत सारा शिफ्ट होगा। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, एक रीजन ये भी है कि भाई वो चाह रहे हैं कि भाई अपनी अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन। आपसे बातचीत हुई, इतना बताइए, मुझसे क्यों बातचीत होगी, हम तो एक अदना से प्रवक्ता आपके है। आपके पार्टी से, आपसे मतलब है आपकी पार्टी से, राजभर पार्टी से क्या बात हो रही है इस पे भी मैं कमेंट नहीं करूंगी, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं और खोजी पत्रकार हैं आप तो एकदम शुभम, तो मैं आप उस पे मैं क्या कमेंट करूं, आप मुझसे बेहतर ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मैं डेफिनेटली ये जरूर कहूंगी कि जिसको जहाँ पे बेहतर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा अपनी कम्युनिटी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो वहां जाएगा। चलिए, तो ये तो हो ही रहा है, होगा भी। विनीत शुक्ला, आपके पास आऊंगा। दो आरोप लगे हैं, सबसे पहले तो आरोप लगा दिया है संदीप जी ने कि जिस तरीके से कांग्रेस के साथ भी उनकी जाने की बात चल रही है और आप उनको समेटने की बात करते हैं कि राजभर जो है उनकी एक सीट की स्थिति नहीं तय कर पा रहे हैं, आप अमित शाह से मिलते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि कुछ बात बनी है, फिर आके वो अगले दिन वो कहने लगते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर राजभर मतदाता किधर जाए पूर्वांचल में। आप अगर इनको साथ लाते हैं, आप निषादों को साथ लाते हैं, तो आपकी स्थिति जितनी मजबूत होती है राजभर की अगर तुलना की जाए तो वो कमजोर होने लगते हैं अगर वो आपसे अलग हटे या छिटके। हमसे अलग हो ही नहीं रहे हैं, पहली बात तो ये है, राजभर नहीं, राजभर समुदाय पूरा जो है हम लोगों के साथ में है, राजभर जी हमारे साथ हैं, ये लोग केवल बस लगे हुए हैं कि कहीं से बस उधर से छटके तो हम पकड़े, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस की, कांग्रेस सपा बसपा कुछ भी जो भी ये महाठगबंधन है, इसमें कुछ ये होने वाला नहीं है पूर्वांचल से। और ब्रजेश जी ने जो कहा है, ब्रजेश जी ने कहा है पूर्वांचल से सफाया होगा, ब्रजेश जी ने जो बोला है कि पूर्वांचल से सफाया होगा, तो ये बात बिल्कुल सही उन्होंने कही है,
ये बिल्कुल भी इनका ये पूरा ठगबंधन है, ये पूरा सफाया हो जाएगा पूर्वांचल से, साथ कांग्रेस जिसका कोई वजूद ही नहीं है। चलिए जी, मैं आऊंगा, हमारे साथ तो संजय शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार। सर संजय जी, जिस तरीके से आपने काफी लंबे समय से राजनीति को समझाया, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, एक फैक्टर हुआ करता था और आपने उसको स्पष्ट भी किया है, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की जो लड़ाई, खासकर अगर हम गोरखपुर के और उधर उसके आसपास के लोकसभा क्षेत्र की बात करें, एक समय हरिशंकर तिवारी का जो पूरा दबदबा रहता था, कुछ इस बार क्या कुछ ऐसी स्थितियां हैं, वो थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा वजूद कुछ उनका रह गया है अब, या अब उनका प्रभाव उतना नहीं है। देखिए, शुरुआत हम निषाद वोटर से करते हैं, महंत अवैधनाथ जी के समय से जब भी मुकाबला हुआ है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, महंत अवैधनाथ जी हो, वहाँ निषाद समुदाय से हुआ है, हमेशा चुनाव निषाद समुदाय से हुआ है, तो मंदिर बनाम निषाद की लड़ाई वहाँ पर लंबे समय से चली आ रही है। तो भली एक संजय निषाद जी ने की पार्टी ने आपसे समझौता कर लिया हो, लेकिन वो निषाद जो छोटे छोटे ग्रामीण स्तरों पे आपसे मोर्चा लेते रहे हैं, वो इतनी जल्दी सामंजस्य बैठा के सारे मंदिर के पक्ष में आ जाएंगे, एक तो इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, जो आपने मुझसे पूछा हरिशंकर तिवारी जी की, बहुत मुद्दतों की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में दो माफिया हुआ करते थे, वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी, तो उस समय में कोयले खदानों को लेकर जो ठेकों की लड़ाई चला करती थी, तो उसके आधार पर माफियाओं के साथ साथ बिरादरी भी बढ़ गई थी। ठाकुर समुदाय वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ में जो दबंग लोग थे खड़े हो गए थे, और ब्राह्मण हरिशंकर तिवारी के साथ में खड़े हो गए थे, तो ये पैरेलल लड़ाई लंबे समय तक चलती रही। और गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में कोल्ड वार हमेशा चलती रही। पिछले दिनों आपको याद होगा, चुनाव से कुछ समय पहले, चुनाव से कुछ महीने पहले, हरिशंकर तिवारी जी के घर पे छापा पड़ा था एक अपराधी के छुपे होने की सूचना के आधार पर। वो छापा शायद मुझे लगता है गोरखपुर के ब्राह्मणों को बहुत आहत किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनको लगा कि ये छापा ब्राह्मण समुदाय के लिए मुंह पे कुछ तमाचा टाइप का है, इस तरह की बातें भरी हकीकत में ना, लेकिन चर्चा में आ जाती है और फिर बिरादरी अपने स्वाभिमान से जोड़ लेती है कि देखो केवल इस ईगो की वजह से हरिशंकर तिवारी जी के घर पर छापा पड़ गया। तो कहीं ना कहीं वो मनमुटाव चुनाव के दौरान में राजनीतिक दल और उभारने की कोशिश में लगे रहते हैं कि छोटी सी घटना को और बड़ा तूल दे दें, और बड़ा मुद्दा बन जाए जिससे ये खाई और गहरी हो जाए। तो निश्चित रूप से गोरखपुर में खाई बनी नजर आ रही है, अभी भी नजर आ रही है। निषाद समुदाय भाजपा के साथ में बहुत कंफर्ट तरीके से वापस आएगा, इसकी संभावना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए, उस तालमेल को बांधने के लिए ये पहली बार हो रहा है कि इतनी जल्दी वो मिलने आए, कल मुख्यमंत्री से मिले वो रात में, लेकिन जब आज ज्वाइनिंग हो रही थी तो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, एक मैसेज देने की कोशिश करी कि मैं खुद आया हूँ निषाद को जी को शामिल कराने के लिए। तो वो मैसेज था गोरखपुर सहित पूर्वांचल के लिए कि अब मुख्यमंत्री भी निषाद समुदाय के करीब आना चाहते हैं। तो जाहिर है कि अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन बहुत कम बचे हैं, और इस बीच में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी और ज्यादा नाजुक ये है। अगर हम हमारी माननीय प्रवक्ता जी से पूछेंगे कि चार नाम बता दीजिए गोरखपुर में जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हो सकते हो, तो मुझे पूरा यकीन है अभी गोरखपुर के चार नाम अभी कांग्रेस तय नहीं कर पाई होगी जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हो। तो जाहिर है कांग्रेस ये चाहेगी कि इस सपा बसपा के गठबंधन को वो बैकडोर से सपोर्ट करती रहे, और मुकाबला किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर से हरा के एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। तो सपा बसपा कांग्रेस इस कंफर्ट जोन में रहेंगे, और आप देखिएगा गोरखपुर से कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा वो बहुत नया नाम होगा, या ऐसा नाम होगा जो भाजपा के प्रत्याशी को हराने के लिए आएगा, गठबंधन को वो फायदा पहुंचाएगा। ये तय रणनीति कांग्रेस की आज की तारीख में बन गई होगी। लेकिन जातियों का खेल गोरखपुर और निषाद समुदाय, गोरखपुर देवरिया पड़रौना, ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी जहां पर निषाद वोट बहुत प्रभावित करता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं प्रभावित करता है। तो जाहिर है इन तीन चार कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, और देवरिया बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, कल्याण मिश्रा जी के बाद वहां पे टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है, जाहिर है अभी वहां इस संघर्ष में भी भाजपा है कि टिकट किसको दे, लेकिन इस बीच में निषाद पार्टी का ये चेंज होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अकंफर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे निषाद उनके पक्ष में आ गए हों, क्योंकि पिछले दोनों के चुनाव की लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत लंबा गैप पैदा कर चुकी है। आपने जो सवाल उठाया वो सवाल मैंने सरफ जी से किया था कांग्रेस की स्थिति के लिए, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरती से उसको टाल दिया था। आप कुछ कहना चाह रहे थे सरफ जी? मैं ये कह रही थी कि जब आपका नेता जो आपको कहता है कि आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब इस तरह से रातों रात अपनी आइडियोलॉजी पूरी चेंज करके, जैसे भैया बता रहे थे कि ये सालों पुरानी जो है वो चली आ रही है राइवलरी निषाद और इनके बीच में, और अचानक से ओवरनाइट
सिर्फ शीर्ष आपकी पार्टी का या आपके समुदाय का ये तय कर ले कि हम इनको छोड़ के इनके साथ जा रहे हैं और बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजी के साथ जाके मिले, तो कहीं ना कहीं ये धोखा होता है उस समुदाय के साथ जिसको वो रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहा है। तो ये भी एक चीज जो है उसके लिए हो सकता है कि ये बैकफायर करे और समुदाय उनको इसके लिए माफ ना करे कि क्योंकि जिस तरह से भारी बहुमत देके जिताए गए थे इनके सुपुत्र और जिस तरह से अब वो जाकर मिल गए हैं बीजेपी के साथ और स्पेशली बीजेपी से ज़्यादा कहा जाए योगी आदित्यनाथ के साथ क्योंकि सारा मसला तो वहीं से था, तो ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घात किया है उन्होंने विश्वास के लिए वहाँ के कम्युनिटी के लिए। जी एक सवाल सरफ जी आपसे ये मेरा और है कि चुनाव के बाद जाहिर सी बात है यूपीए और एनडीए दोनों देश में एक दो घटक हैं जिनके ही मध्य में लड़ाई रहती है पूरे उसकी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है महागठबंधन आपके साथ ही आएगा चुनाव के बाद? देखिए ये हम लोग शुरू से कहते रहे हैं फ्रॉम डे वन, और हम लोग जब मैं कह रही हूँ तो कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दोनों, और ये शुक्ला जी हमारे जो हैं साथ में संदीप जी ये भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे होपफुली कि हम हमेशा लगातार कहते रहें कि विपक्ष एक साथ लड़ रहा है एक आइडियोलॉजी के खिलाफ जो आइडियोलॉजी सामंतवादी है, जो आइडियोलॉजी महिलाओं के खिलाफ है, जो आइडियोलॉजी दलित और दमित के खिलाफ है, जो आइडियोलॉजी इस तरह के लोग शोषण के खिलाफ है, जो फांसीवादी उसके खिलाफ, तो हम लगातार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये पर्टिकुलर एनडीए की सरकार ये इसको कर दिया जाता है कि कांग्रेस बनाम मोदी। ये कांग्रेस बनाम मोदी नहीं है, जैसे हम कहते हैं मोदी जी भी कई बार कहते हैं कि जब आप कमल पे बटन दबाएंगे तो वोट मोदी को आएगा, पहले कहा जाता था मोदी पे बटन दबाएंगे तो कमल पे वोट जाएगा, मतलब तो मोदी से भाजपा हो गई, हाँ मोदी से भाजपा हो गई है। तो ये जब आप फांसीवाद की तरफ बढ़ते हैं तो आप ये इसी तरह से पर्सन बिकम्स ब्रांड जो है वो आदमी से हो जाती है ना कि पार्टी विशेष से। एक सवाल इसी आप ही के उत्तर से ही मैं एक सवाल और बनाया है मैंने अभी अभी सोचा है कि क्या मायावती तो आपका सार्वजनिक पटल पर विरोध कर रही हैं, वो तो आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो क्या तैयारी हमारी, हमारा बेसिकली देखिए ये है कि विपक्ष एकजुट है, क्या होता है आगे चल के वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि ये सरकार जाए। अच्छा 30 सेकंड में मैं समझना चाहूंगा ब्रजेश जी से, क्या आपको लगता है कि गठबंधन के बावजूद भी मायावती कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ छिटक सकती है चुनाव के बाद? बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल संभावना है। नहीं मैं जिधर सरकार बनेगी उधर ही जाएंगी वो। मैं 5 सेकंड में बात कर दूं, अगर आइडियोलॉजी लैप्स करेगी 200 सीटें बीजेपी से कम रह जाती है बीजेपी की और नितिन गडकरी का सामना आता है तो पूरा गठबंधन गडकरी को सपोर्ट कर देगा, राजनीति में तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी इस पर विनीत शुक्ला की मैं समझना चाहूंगा क्या कहेंगे। बिल्कुल गठबंधन की ये परेशानी दिख रही है कि ये लोग अभी डिसाइड ही नहीं कर पाए, इनके पास ना तो नेता है कोई, 30 वर्षों की राजनीति में सबसे पहली बार तो ये देखने को मिल रहा है इनके पास प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट नहीं है, अभी चेहरा ही नहीं है, मतलब हर पार्टी का जो लीडर है वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट अपने आप को, तो हर पार्टी का लीडर जो है एक नकली लाल किले पे खड़े होकर भाषण देने लग जाए मोदी जी की तरह, संडे अरमान में भरा कोई नहीं है। अरे आप अपना बताइए ना पहले, आप 30 वर्षों की राजनीति में मैं तो देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो दे नहीं पाई कांग्रेस ना, तो गठबंधन के पास है कैंडिडेट है ही नहीं आपके पास, क्या योग्यता है आपके राहुल गांधी जी? अगर आपने भारत का लोकतंत्र समझा है और पढ़ा है तो जब जीत कर जीत के जो आएगा वही जीता हुआ दल जो है वो अपना नेता चुनता है, नेता पहले से ब्रांड की बात कर रही, तो ब्रांड हमारे पास है मोदी जी का, मोदी जी है और आपके पास है ही नहीं, 50 साल का बालक लेके घूम रहे हैं, आप इस तरह से बेच रहे हैं कि मोदी साल का बालक है ये। जो आज तक विकसित नहीं हो सका वो क्या करेगा, ये आप तय करेंगे? आपके पास चेहरा ही नहीं है, ओहो आपके पास चेहरा ही नहीं है, ये आप तय करेंगे? हम नहीं जनता तय करेगी, कांग्रेस को जनता ने तय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया 14 में भी और 19 में भी, विपक्ष ने एक ना होकर के आरोप और प्रत्यारोप के बीच आपने देखा किस कदर गठबंधन की स्थितियां हैं वो कुछ क्लियर नहीं हो पा रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर ऊंट जो है वो गठबंधन का वो किस करवट बैठेगा। हालांकि पूर्वांचल में निषादों के जुड़ने से जितनी स्थिति बीजेपी की मजबूत हुई है उतना जिस तरीके से संदीप शुक्ला ने यहां पर सवाल उठाया कि राजभर की जो स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है वो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा साबित हो सकती है अगर आपके साथ वो ना आए। कल हाजिर होंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ, इसी समय आप देखिएगा सेंट्रल डिबेट।
पुलिस अफसरों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में भीषण भ्रष्टाचार। अखिलेश